दोस्तों कई बार हमें अपने ऑफिस होमवर्क या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल या फिर बुक्स वगैरह को देखकर टाइप करने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब हार्ड कॉपी हो आपके पास तो आप उसे देख करके टाइप करते हैं, जबकि ये जो है काफी ओल्ड प्रोसेस है, काफी ओल्ड तरीका है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो काफी डेवलप हो चुकी है। आज के डेट में आप जो है OCR का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करना होगा, फोटो खींचनी होगी इसकी, और इसके बाद जो है आप इसे अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद OCR परफॉर्म कीजिए। एंड देन आप जो है आपका जो भी टेक्स्ट था, जो भी फोटो में जो भी टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी तरीके से स्कैन होकर के एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे चेंजेस कर दीजिए और उसके बाद उसे PDF डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी भी फॉर्मेट में आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मली जो है वो यही देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, हार्ड कॉपी को नॉर्मली सिंपल स्टेप्स में 1 से 2 मिनट के अंदर में जो है हम लोग पूरा का पूरा किस तरीके से टाइप कर लेंगे या फिर उसे कन्वर्ट कर लेंगे एडिटेबल फॉर्मेट में। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे iSky सॉफ्ट का PDF एडिटर, जिसमें OCR का एक फंक्शन होता है जो कि काफी अच्छा फंक्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को फॉलो करके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में है तो सबसे पहले उसकी फोटो लेकर के अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लीजिए। ये फोटो मैंने कैप्चर की है अपने बुक से और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे OCR का फंक्शन यूज करके हम लोग इसको एडिटेबल बनाएंगे। हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है। तो चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है iSky सॉफ्ट का PDF एडिटर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है, तो काफी अच्छी बात है, आप इसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। ये है PDF एडिटर 6 iSky सॉफ्ट का। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट PDF में, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये है हमारी वो इमेज, और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं और ये इमेज जो है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदी क्वालिटी है, बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं कि परफॉर्म OCR का जो है एक ऑप्शन आ गया है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले तो ये फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड होंगी, अप्रॉक्स 300 MB के करीब की होगी, तो आपको उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद परफॉर्म OCR के ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लोकेशन चूज करना है, कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ भी ऐसा, परफॉर्मिंग OCR, स्कैनिंग का प्रोसेस हो रहा है और ये हमारा फिनिश हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये हमारा पहला था इमेज और ये हमारा रिजल्ट है। ये इमेज था और ये रिजल्ट है। दोनों में अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, बट टेक्स्ट में आपको जो है कुछ ना कुछ फर्क यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एडिट में, और एडिट में जाने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहां से सिंपली क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है टेक्स्ट के अलावा जो है टेक्स्ट के बाहर आप क्लिक कीजिए और डिलीट का बटन जो है उसे प्रेस कीजिए। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया है। अब यहां पे डायरेक्टली जो है हम इससे एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज करना हो मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल है हमारे पास, और ये एक पूरा फुल PDF एडिटर है, यहां पर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्लीन टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया है। इसमें कुछ भी एडिटिंग करना हो एडिटिंग आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप जाइए फाइल में और सेव कर दीजिए इसे, सेव एज, यहां पे हम लोग डेस्कटॉप, और उसके बाद इसका नाम हम लोग रख देते हैं फाइनल, सेव, और ये हमारा सेव हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे फाइनल। ये हमारा PDF है और हमारा इमेज कहाँ है, ये हमारा इमेज था। तो आप देख सकते हैं यहां पे साइड बाय साइड कि यहां पे सेम टेक्स्ट है हमारा, बट यहां पे बिल्कुल क्लीन PDF में है और यहां पे हमारी इमेज है। तो इस तरीके से जो है आप OCR का फंक्शन यूज करके अपनी टाइपिंग टाइम को जो है वो बचा सकते हैं और 1 मिनट के अंदर में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप PDF में और एडिटेबल टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये है हमारी कुछ और वीडियोस जिसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।